डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के अकाउंट में 31 मार्च तक आएगी छात्रवृत्ति बस करना होगा ये काम कौन सा काम करना होगा पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी और यहाँ पे अगर आप देख लें तो छः मार्च को ये आया हुआ अपडेट है सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ स्टेटस वगैरह के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये स्टेटस वगैरह गलत तरीके से शो हो रहे हैं तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि स्टेटस वगैरह के जो सही करने का काम जो आप हार्ड कॉलेज में हार्ड कॉपी वगैरह जमा करते थे उसकी लास्ट डेट छः मार्च को थी वो सारी प्रोसेस अब बंद हो गए हैं अब केवल आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी आपके समाज कल्याण ऑफिस से आपका स्टेटस वेरीफाई होगा और जो भी आपका स्टेटस वगैरह गलत तरीके से दिखा रहा है वो सही होगा अगर आपने काम करा लिया होगा कॉलेज में जाकर हार्ड कॉपी वगैरह जमा करा ली होंगी तो अब जैसे कि अटेंडेंस लेस देन पचहत्तर परसेंट यू आई इनवैलिड रोल नंबर मिसमैच जो भी प्रॉब्लम हो अगर आपने सही करा लिया होगा कॉलेज वगैरह में हार्ड कॉपी वगैरह जमा कर दिए होंगे तो आपको सही हो गया होगा या फिर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट देखिए अगर ये पेंडिंग दिखा रहा है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है आप फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ पे अभी रुका हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक यहाँ पे रिजेक्टेड वगैरह कुछ ना लिखे तब तक आपको डरने की बात नहीं है अगर केवल पेंडिंग लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है इस अपडेट को थोड़ा सा समझ लीजिए सभी स्टूडेंट तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यूपी स्कॉलरशिप दो हज़ार यूपी स्कॉलरशिप को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर सामने आई है इन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में कब स्कॉलरशिप आएगी इसे लेकर गुड न्यूज़ सामने आई है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है सभी को मालूम है इसके तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाने पढ़ाई करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है ऐसे में इस साल भी यूपी के लाखों विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है लेकिन उन्हें अब छात्रवृत्ति आने का इंतजार है स्कॉलरशिप विभाग ने स्टूडेंट्स के यूपी छात्रवृत्ति के लिए स्टेटस जारी कर दिया है ऐसे में स्टूडेंट्स अपने यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जरूर चेक कर लें देखिए सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक एक बार मतलब फिर से आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लें कि स्टेटस आपका अपडेट तो नहीं हुआ इसलिए कि प्रतिदिन स्टेटस सभी बच्चों के अलग अलग बच्चों के अलग अलग कोर्सेज जो कर रहे हैं उनके स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहे हैं ठीक है यहाँ पर देखिए यू स्कॉलरशिप स्टेटस में अब भी कई स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यानी डी से वेरीफिकेशन नहीं हो पाया है मतलब अभी भी डिस्ट्रिक्ट

इनवैलिड प्रोसेस थे मतलब इनवैलिड काम जिसे उनके स्टेटस में गलत तरीके से शो उनको अगर आपने हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में जमा कर है है या फिर समाज कल्याण ऑफिस से से के बात किया है, सही हो गया है, तो उनकी स्कॉलरशिप लेकर इकतीस मार्च के बीच में आएगी बताया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव होने की वजह से स्कॉलरशिप की राशि आने में देरी हो रही है लेकिन वर्ग किन वर्ग के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी इस पर अधिकारियों ने कहा है कि यह कैटेगरी राज्य सरकार की ओर से निर्धारित की जाती है सभी को मालूम है कि हर यूपी में हर तरह के अलग अलग कोर्सेज होते हैं और हर कोर्सेज के लिए अलग अलग राशि तय होती है प्राइवेट के कॉलेज के लिए अलग गवर्नमेंट के लिए कॉलेज कौ, के लिए अलग ग्रेजुएशन के लिए अलग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग डिप्लोमा के लिए अलग तो वो तो अलग की बात है लेकिन पच्चीस से इकतीस मार्च के बीच आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी जिन्होंने भी अपना स्टेटस वगैरह जैसे गलत तरीके से स्टेटस शो तो हो रहा था सही करा लिया है कॉलेज में हार्ड कॉपी वगैरह जमा कर दी तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि पच्चीस से इकतीस मार्च के बीच आएगी और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट आए थे कि सर जैसे कि ये आधी स्कॉलरशिप जीत जिनकी आ गई है और आधी नहीं आई है तो क्या आप पाएगी कि नहीं देखिए जब अगर आपकी स्कॉलरशिप आधी आ गई है आधा पैसा आपका आ गया है तो आपकी जो आधी राशि है वो नेक्स्ट शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट में आ जाएगी हंड्रेड परसेंट ठीक है इसलिए कि कभी कभी होता है कि आधी आधी स्कॉलरशिप आपकी भेजी जाती है और अगले शिफ्ट में आधी स्कॉलरशिप भेजी जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कुछ बच्चों का जैसे कि नहीं हो पाया है जिनका जैसे मान लीजिए कि आपका स्टेटस वगैरह गलत तरीके से शो हो रहा था और आपने कॉलेज में वगैरह कुछ जमा नहीं कर पाया है और डेट भी खत्म हो गया नहीं हो पाया है तो टेलीग्राम पर देखिए कोई समय मिलता भी है कुछ करने के लिए वेरिफिकेशन फिर से मतलब कि करेक्शन करने के लिए तो ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा दो से तीन दिन के लिए होगा अगर वीडियो के माध्यम से चैनल भी बने रहेंगे तो हो सकता है आपको वीडियो देखने में वीडियो आपके पास पहुंचने में समय लगे कभी कभी नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं जा पाता है एक दिन में अगर मैं तीन से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दूँ तो उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो हो सकता है आपका डिले हो जाए इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम पर बने रहेंगे तो जो भी इनफॉर्मेशन आएगी वो वहाँ से आपको तुरंत प्रोवाइड की जाएगी तुरंत आपको वहाँ से मिल जाएगी ठीक है तो यही सारी अगर इसके बावजूद अगर आपके मन में जैसे कुछ अलग तरीके की आपकी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम हो या फिर कुछ दिक्कत आ रही हो अलग तरीके की तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फिलहाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में